नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आम के औषधीय गुण। आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह एक ऐसा फल है जो छोटे से बड़े सभी को पसंद है। आजकल तो आम पूरे साल मिलता है, लेकिन इसका मुख्य सीजन गर्मियों में होता है। आम कई रोगों के लिए औषधि भी है। इसका वृक्ष बड़ा फलदार होता है। इसका फल गुठली वाला गूदेदार होता है। स्वाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से आम सभी फलों में आगे है। आम भिन्न भिन्न जाति के होते हैं, किंतु सभी आमों के गुण प्रायः एक से ही होते हैं। रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रिचुरिच और नई अपडेट के लिए बेल पर प्रेस करें। आइए जान लेते हैं आम किन रोगों में लाभकारी है। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। संग्रहणी होने पर खूब पके हुए 2 या 3 मीठे आम लेकर उनको छील लें और चाकू से पके हुए गूदे को निकालकर छोटे छोटे हिस्से में काटकर कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें। गाय का दूध अच्छी तरह उबाल कर ठंडा कर लें तथा दूध को आम के गूदे के साथ अच्छी तरह मिक्सी में मिला लें। धीरे धीरे चबा कर आम का गूदा और दूध का सेवन करें। दिन में 3-3 घंटे के अंतर से 1 पाव दूध का सेवन करना है। दूध और आम के अतिरिक्त कुछ भी सेवन ना करें। 40 दिनों तक केवल आम और दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं लेंगे तो ही पूर्ण लाभ होगा। यह एक प्रकार का आम कल्प है। लू लगने पर गर्मी के दिनों में तेज धूप के कारण शरीर में पानी एवं खनिज लवण की कमी होने वाले रोगों में एक जानलेवा रोग लू भी है। इस रोग में कच्चे आम को भून कर या उबाल कर उसके गूदे को निकाल कर उसमें मिश्री या शक्कर मिलाकर 2-2 घंटे में 1-1 गिलास 3-4 बार प्रतिदिन पिलाना चाहिए। इससे लू का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। रक्तस्राव होने पर खूनी बवासीर, फेफड़ों अथवा आंतों से खूनी दस्त या रक्त प्रदर्श के कारण रक्तस्राव हो रहा हो तो आम की छाल निकालें तथा छाल के अंदर वाला भाग निकालकर कूट पीस कर उसका रस निकालें और 10 ग्राम रस सुबह शाम लेने से लाभ होता है। रस निकालने में कठिनाई हो तो छाल का काढ़ा बनाकर ठंडा करने के बाद 20 ग्राम दिन में 2 बार पिएं। सुजाक होने पर आम की छाल निकालकर छाल के अंदरूनी भाग को कूट लें तथा 20 से 25 ग्राम छाल को 200 ग्राम पानी में शाम को भिगो दें। सुबह छाल को मसल कर छान लें और छाल के उस पानी को सुजाक के रोगी को पिला दें। यह प्रयोग लगातार 10 से 15 दिन तक करने से लाभ होता है। दस्त होने पर आम की गुठली की गिरी निकाल लें। गिरी के 2 हिस्से बना लें। आधे हिस्से को कच्चा रखें, आधे को भून लें और दोनों हिस्सों को पीस लें। आम की गुठली की गिरी के इस चूर्ण को 2-3 ग्राम की मात्रा में लेकर दही में मिलाकर 3-3 घंटे में 3-4 बार सेवन कराएं। इसके साथ बेलगिरी चूर्ण 4-5 ग्राम और मिश्री मिलाकर भी सेवन कराया जा सकता है। पेट में कीड़े होने पर पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए गुठली के अंदर की गिरी को पीस कर चूर्ण बनाकर रख लें तथा 1 ग्राम चूर्ण छाछ, दही या पानी के साथ सुबह शाम सेवन कराएं। जलने पर आम की गुठली की गिरी को निकाल कर पानी के साथ चंदन की तरह घिस कर त्वचा के जले हुए हिस्से पर लेप करने से जलन शांत होती है, दाग भी नहीं पड़ता है। मकड़ी के विष पर कई बार मकड़ी शरीर पर बैठ कर विष छोड़ देती है जिससे त्वचा फफोले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आम की गुठली की गिरी को पानी में घिस कर लेप तैयार कर लें और उसको फफोले जहाँ पर पड़े हों वहाँ लगा लें, फफोला नहीं पड़ेगा।